अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज मैंने बनाई है रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के हिसाब से बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली खीर। तो आए अब हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। व्यूवर्स, खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप चावल लिए हैं, जिसको मैंने एक कप पानी में भिगो के रख दिया है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने 2 लीटर मिल्क लिया है, जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने छुहारे लिए हैं, जिनको मैंने भिगो के और कट कर लिया है इस तरीके से। और यहाँ पे थोड़े से काजू, पिस्ता और बादाम, उनको मैंने छील के और इस तरह से चॉप कर लिया है। तो आप जो चाहें वो आप इसमें अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये देखें हमारा दूध जो है वो बॉयल हो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें से 1/2 लीटर दूध जो है वो हम दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो व्यूवर्स, ये जो हमने 1/2 लीटर मिल्क सेपरेट करके रख लिया था, तो इसके अंदर हम जो हमने राइस सोक करके रखे थे 3 से 4 घंटे के लिए, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो व्यूवर्स, अब हमने इसके अंदर राइस ऐड कर दिया। अब हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से हमारे राइस जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और बिल्कुल पक जाएं। जो हमारा 1.5 लीटर मिल्क हमने बॉयल किया था, इसके अंदर हमने जो ये छुहारे लिए थे वो ऐड कर देंगे और इसको धीमी आँच पर पकने के लिए रख देंगे। तो व्यूवर्स, ये देखें राइस जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो अब हम एक लकड़ी की मदानी लेंगे और उससे अच्छी तरीके से इसको घोट लेंगे। बिल्कुल हमें इसको अच्छे से घोट लेना है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। ये देखिए, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मदानी की मदद से अच्छे से घोट लिया है। बहुत ही मज़ेदार और दानेदार हमारी खीर बनके तैयार होगी और आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप ये रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में इसको बना के और तबर्रुक के तौर पर बांट सकते हैं। तो आएँ अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो व्यूवर्स, यहाँ पर जो हमने 1.5 लीटर मिल्क छोड़ा था, जिसमें हमने छुहारे ऐड किए थे, इसी में हम तमाम जो राइस का मिक्सचर हमने अभी बनाया है वो ऐड कर देंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने 2 लीटर मिल्क लिया है, तो इसके अंदर हम 2 कप चीनी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बता दी चलूँ कि यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून चीनी ली है, जो कि मैंने उसी 2 कप शुगर में से मैंने निकाल ली थी। अब मैं इसको एक छोटे से पैन में निकाल के रखूँगी हल्की आंच पे। तो देखिए, ये जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो इससे हम बहुत ही अच्छा सा कैरेमल रेडी कर लेंगे, जो हम अपनी खीर में शामिल करेंगे, तो उसका बहुत प्यारा सा सुनहरा रंग आ जाएगा। तो व्यूवर्स, देखें कितने ईजीली मैंने ये कैरेमल तैयार कर लिया है हमारी खीर में ऐड करने के लिए, जिससे बहुत ही प्यारा सा हमारी खीर में कलर आ जाएगा। तो आए अब हम इसको खीर में शामिल कर देते हैं। इस तरह से इसको जल्दी से हमें हमारी खीर में ऐड करते जाना है, वरना ये जम जाएगा। और फिर जल्दी जल्दी हम अपना स्पून जो है वो चलाते रहेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। कैरेमल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, तो उससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी हमारी खीर में से, और हमारे मेहमानों को हमारी खीर बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जिस तरह आपको हमारी खीर पसंद आने वाली है। तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी ट्राई करें, और मुझे कमेंट में बताएँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब हम इसको तकरीबन 1/2 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने छोड़ देंगे और इसको चलाते रहेंगे, ताकि हमारी खीर जो है वो नीचे से लगे ना। तो व्यूवर्स, ये देखें 1/2 घंटे के बाद हमारी खीर जो है वो बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से।
तो व्यूवर्स, खीर को मैंने चूल्हे से उतार लिया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो मैं इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। आए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, तैयार है हमारी बहुत ही लजीज खीर, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यम यम फूड स्पॉट। अल्लाह हाफिज़।